ये कहानी है मानव इतिहास के सबसे पावरफुल और अमीर साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जहां जब नए राजा की स्थापना होती थी तो उसके पूरे शरीर को सोने की डस्ट से कवर कर दिया जाता था और फिर उसे नदी में भेजा जाता था ताकि वो उस गोल्ड डस्ट को धो के अपना शुद्धिकरण कर सके। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसके पास इतना सोना था, इतना ज्यादा सोना था कि यहाँ की एक बिल्डिंग सोने की बनी रहती थी। एक ऐसा शहर जिसका नाम तो सब जानते थे पर उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। और दोस्तों, आज हम इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री में शायद पहली बार उस जगह की सच्चाई को बताने वाले हैं। उस शहर का नाम है एल डोराडो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 3300 साल पहले 1270 BC के आसपास, जब साउथ अमेरिका के हाईलैंड्स जैसे कि क्यूंडिनामार्का एंड बोयाका में कुछ इंडिजीनियस सिविलाइजेशन रहा करती थी। इन जनजातियों को आज के डेट में मुइस्का के नाम से जाना जाता है। और भले ही आपने इनका नाम कभी ना सुना हो, मगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस में जिस तरह के सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनके हिसाब से एडवांसमेंट्स के मामले में ये ट्राइब्स माया, इनका और एजटेक सिविलाइजेशन के बराबर ही पाई गई। अब ये काफी स्ट्रेंज बात है कि जहां ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में गिने जाने के बावजूद हम मायन और एजटेक सिविलाइजेशंस के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, वहीं कई सदियों तक तो लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता था। जैसे कि ये अपने आप को सालों तक कंसील्ड रखते रहे हो, और ये फैक्ट ही इन्हें अब तक की नोन सभी सिविलाइजेशन से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है कि हम आज भी इनके बारे में 90% चीजें नहीं जानते। हालांकि ये हिडन ट्राइब दुनिया के सामने पहली बार आई साल 1537 में, जब स्पैनिश कंक्विस्टेडर्स एक मिथिकल सिटी को ढूंढते हुए कोलंबिया के एंडस माउंटेन्स पहुंचे। उन्होंने ना एक ऐसे नदी की कहानी सुनी थी जहां लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के लोग अपना सोना फेंका करते थे, और जब वो 1545 में लेक ग्वाटाविटा के पास पहली बार आए तो उन्होंने उस लेक के सारे पानी को बाल्टी से बाहर निकालना शुरू किया एंड आफ्टर 3 months उन्हें सरप्राइजिंगली उस जगह पर इतना सोना मिला जिसकी आज की डेट में 80 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत थी। अब देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सोना एक रॉयल्टी के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती, बट द फैक्ट इज कि ये सोना लेक की गहराई में यूं ही पड़ा हुआ था। अब ये इस बात के लिए काफी था कि ना सिर्फ सोने के शहर को लेकर सारी कहानियां सच थी, बल्कि सोने का मिलना इस बात का भी अफर्मेशन था कि अगर उन लोगों ने इतना सोना यूं ही लेक में यूजलेस समझ के फेंक दिया तो असलियत में उनके पास इतना ज्यादा सोना हो सकता होगा। और यहीं से शुरू हुई द एक्सपीडिशन टू फाइंड एल डोराडो, एक स्पैनिश शब्द जिसका इंग्लिश में लिटरल मीनिंग है द गोल्ड। मगर क्या स्पैनिश एक्सप्लोरर्स की सोने को ढूंढने की खोज पूरी हो पाई थी? लेक ग्वाटाविटा के मिलने से पहले भी एल डोराडो की कहानियां और किस्सों की बाढ़ आई हुई थी, और इसी बाढ़ को सुनामी बनाने का काम हुआ साल 1535 में लिखी गई अपनी डिस्क्रिप्शन में गोंजालो फर्नांडेस दे ओविएदो वाई वाल्डेस ने एक ऐसे स्टेटमेंट डाल दिया था ना जिसने इस लॉस्ट सिटी के केस को काफी एग्जैजरेट कर दिया था। हिस्टोरिया जनरल वाई नेचुरल दे लास इंडियाज नाम की अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि इस सेरेमनी के दौरान ना रूलर्स पाउडर्ड गोल्ड मल के ऐसे चलते थे मानो वो गोल्ड नहीं बल्कि नमक लगा के चल रहे हो। अब गोंजालो ने तो ये तक कह दिया था कि उस जगह के लोगों के लिए गोल्ड इतना कॉमन था कि सोना पहन के चलना उस मुखिया के लिए बहुत ही वल्गर या यूं कहूं कि शर्म की बात थी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गोंजालेस के इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करे या इवन ये भी कंफर्म कर सके कि गोंजालेस ने कभी खुद से भी उन लोगों को देखा हो। मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिल जाती है ना तो कोई उसके द्वारा कही गई बातों को क्रॉस चेक या फिर क्वेश्चन करने की कोशिश भी नहीं करता। हालांकि स्पेनिश रूलर्स का इंटरेस्ट इस जगह को लेकर साल 1535 के भी पहले से जगा हुआ था। उन्होंने हमेशा से सुना था कि साउथ अमेरिका के जंगलों के बीच ऐसे कुछ इलाके हैं जो एक्सट्रीमली वेल्दी है, जिन्हें पहले तो अफवाहों की तरह ही ट्रीट किया जाता था, मगर साल 1531 में स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर फ्रांसिस्को पिजारो ने
जब पेरू के इनका एम्पायर को कॉन्कर किया तो स्पेनिश लोगों को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जो सुना है ना वो महज अफवाह नहीं है। और इसी रियलाइजेशन के साथ साल 1531 से 1538 के बीच जर्मन कॉन्क्विस्टेडर निकोलस फेडरमैन और जॉर्ज वॉन स्पेयर ने मल्टीपल जगह एक्सप्लोर की एल डोराडो की खोज में। अब मिला तो उन्हें कुछ भी नहीं, मगर इसके बावजूद भी उनकी उम्मीदें नहीं टूटी। तीन साल बाद साल 1541 में फिलिप वॉन ह्यूटेन ने करीब 1500 लोगों के साथ वापस से एल डोराडो की खोज शुरू की, मगर सालों तक भटकते रहने के बाद बुखार और भूख की वजह से उसके ग्रुप के महज 40 लोग ही सर्वाइव कर पाए। अब हार मानकर जब ह्यूटेन 40 लोगों के साथ भी वापस लौट रहे थे तो उनकी पार्टी पर किसी ने हमला कर दिया, जिनसे जैसे तैसे बचते बचाते जब वो 1546 में वापस अपनी रूलिंग कंट्री में आए तब भी उन्हें आते ही सजाए मौत दे दी गई। फरवरी 1541 में फ्रांसिस्को के छोटे भाई गोंजालो पिजारो ने भी एल डोराडो की खोज करीब 220 सैनिकों और 4000 नेटिव्स के साथ शुरू करी थी, मगर मैक्सिमम लोगों की भूख और बीमारी के कारण मौत होने के कारण उसने भी अपनी खोज को खत्म कर दिया। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी में सर वाल्टर रैलिग ने दो बार इस शहर को खोजने की कोशिश की थी, मगर दोनों बार नाकामयाब होकर जब वो घर लौटे तो उनके देश में भी उन्हें गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद 20वीं सदी में कोलोनल पर्सी फॉस्वेट भी अपनी लॉस्ट सिटी ऑफ जी को खोजने के लिए निकले थे, मगर साल 1925 के आसपास वो भी साउथ अमेरिका के जंगलों में खो गए और ना तो कभी उनका पता लग पाया और ना ही उनके साथ गए किसी अन्य व्यक्ति का। एल डोराडो की कहानी ऐसे कई किस्सों से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने उस शहर को खोजने के लिए सफर तो शुरू किया, मगर या तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आए या फिर कभी लौटे भी तो उनको उनके ही देश ने गद्दार करार दिया और उन्हें मार दिया गया। और इसी वजह से कई लोग तो इस शहर की खोज को एक अभिशाप भी मानते हैं, मगर लालच इतनी बड़ी चीज है ना कि इस अभिशाप से वाकिफ होने के बावजूद लोग बार बार ऐसे सोने की तरफ खींचे चले जाते हैं जो सच में कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और यही है एल डोराडो का सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, आपको हमेशा लिटरेचर या पॉप कल्चर के किसी ना किसी रेफरेंस में एल डोराडो को एक सोने का शहर बताते हुए अच्छा खासा किस्सा मिल जाएगा, मगर हकीकत तो यह है कि एल डोराडो ना आज एग्जिस्ट करता है और ना ही कभी इतिहास में पहले किया करता था। अब अगर हम इतिहास खंगाले ना तो इस बारे में लिखने वाले फर्स्ट जनरेशन राइटर्स ने हमेशा से इस टॉपिक को इसी तरह से लिखा था जैसे कि वो किसी शख्स की बात कर रहे हो। अब देखो, एल डोराडो का मतलब सोना तो होता ही है, मगर साथ ही में एल डोराडो का एक और मतलब होता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमेशा से इस जगह का नाम लिया जाता रहा, और वो दूसरा ट्रांसलेशन है द ग्लाइडेड वन, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सोने का शहर नहीं बल्कि सोने की परत चढ़ा हुआ एक आदमी था। एल डोराडो के बारे में लिखते हुए जो इसके ओरिजिनल लेखक थे ना, उन्होंने किसी जगह का वर्णन नहीं किया था बल्कि एक ऐसी प्रथा का वर्णन किया था जिसके तहत जंगलों के बीच रहने वाले कबीले के लोग अपने नए मुखिया को उसका पद देने के लिए उसे पूरी तरह गोल्डन डस्ट में कवर करके पानी में भेजा करते थे, जिसके बाद वो चीफ कुछ पुजारियों के साथ लेक ग्वाटाविटा में जाकर अपनी गोल्डन डस्ट धोने के साथ साथ अपने सारे सोने के आभूषणों को और कुछ बेशकीमती धातुओं को इस तालाब में डाल देता था, एक तरीके से अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के प्रतीक के रूप में। अब देखो, ये फैसिनेशन की बात तो थी क्योंकि यूरोप ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि साउथ अमेरिका के जनजातियां इतने अमीर होते होंगे, उनके पास सोने का जरा भी हिस्सा कभी रहा होगा ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जिस कारण से इस हैरत में बहुत से राइटर्स बहुत कुछ लिख गए, जिसमें से गोंजालो फर्नांडीज का एग्जांपल हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब ऐसे ही कुछ राइटर्स के बढ़ा चढ़ाकर किए जाने वाले दावों के बीच जब लेक ग्वाटाविटा की खोज हुई ना और उसके अंदर ढेर सारी ज्वेलरी भी मिल गई तो पूरी दुनिया ये सोचने लगी कि उस खोए हुए शहर को लेकर हर एक बात सच है, और एल डोराडो में जिस चीज पर सोने की परत चढ़े होने की बात कही गई थी वो कोई शख्स नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शहर है। और इसी शब्द से जुड़े मतलब का मिस इंटरप्रिटेशन होने के कारण ही बहुत बड़े लेवल में लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन बैठ गया कि अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच सोने का एक शहर आज भी एग्जिस्ट करता है। और यही कारण है कि बीते कई सदियों से लेकर आज तक लोग सोने की उम्मीद से साउथ अमेरिका के जंगलों में घूमते रहते हैं, एक ऐसे अनोखे शहर की तलाश में जो कभी
कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब देखो, बहुत से यूट्यूबर इस टॉपिक को मिल्क करते हैं और उसको लेकर अलग अलग थियोरीज देते हैं, फिर चाहे हम यहाँ इंडिया की बात करें या फिर वेस्ट की। और कहीं ना कहीं इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से ये मिथ और ज्यादा फैल जाता है और लोग सच्चाई को धीरे धीरे और ज्यादा इग्नोर करते रहते हैं, जिस वजह से आज भी मैक्सिमम लोगों को एल डोराडो की हकीकत पता ही नहीं है और सब कोई इसे एक शहर मानकर ही चला करते हैं। मगर अब आप बताइए, आपके हिसाब से क्या एल डोराडो वाकई कोई जगह थी या सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसे बाद में बात का वजन बढ़ाने के लिए लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि इस दुनिया का रियल लाइफ इल्यूमिनाटी है। एक ऐसा बंदा जो लगभग इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल में हम हैं, आप भी हैं और हर कोई है। पर कैसे? आखिर वो शख्स कौन है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, और कैसे वो हमें कंट्रोल करता है? इस पूरी कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।